मिठाइयाँ बांटें, पेड़े बांटें, जिस तरीके से आपने गद्दारी की, जिस तरीके से आपने बेईमानी की, आपने विश्वासघात किया, उसके बाद भी आपको अगर इस तरीके की कार्रवाई से खुशी मिल रही है, आज वो आज संजय राउत जी के काम कर रहे हैं, कल आपको खेमे में रखकर आपके पीठ में खंजर घोककर आपको खत्म कर देंगे, ये मैं भी दावा कर रही हूँ। देखिए रूल नंबर 267 राज्यसभा के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत कोई भी बिजनेस जो हाउस का होता है उसको स्थगित कर कर इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए जो देश के गंभीर मुद्दे हैं। मैं मानती हूँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इन सबका दुरुपयोग हो रहा है। ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लिए कर रहे हैं, कल ये मीडिया के लिए करेंगे, कल ये पत्रकारों पर करेंगे, परसों ये बिजनेसिस पे करेंगे। तो जो जो केंद्र सरकार के खिलाफ बात करता है, अगर षड्यंत्र के अनुसार ऐसे पोलिटिकल वेपन्स के अनुसार बना बनाकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बनाकर अगर काम हो रहा है तो इस पर चर्चा सदन में होनी चाहिए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का होता है वो भी क्लियरली कहता है कि चेयरमैन को ये इंफॉर्मेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को देनी चाहिए थी अगर उनको डिटेन किया जा रहा है या उनको अरेस्ट किया जा रहा है। सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सीनियर लीडर हैं और पार्लियामेंट सेशन में हैं, हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर हैं, पार्टी के लीडर हैं, और आप उनके साथ ये कार्रवाई करते हो, ये बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है, निंदनीय है, और मैं मानती हूँ इस पर कार्रवाई चेयरमैन को करनी चाहिए। मैं तो कहूंगी जो डर गया वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गया, और वो अगर उनके स्क्रिप्ट पढ़कर हमसे सवाल पूछते हैं हम उनके सवाल का जवाब नहीं देंगे। जो डटे हुए हैं वो डट कर इन लोगों का सामना कर रहे हैं। जो आप लोग 40 हो, आप 50 हो, आप वो माने जाओगे जो डर कर भागे हो। और हम लोग भले ही कम संख्या में अभी दिख रहे हों, हम लोग पार्लियामेंट में कम दिख रहे हों, पर हम वो हैं जो डट कर सामना कर रहे हैं। तो आप सोचिए जो डर के मारे खुश हो रहे हों, जो डर कर भागे हों, उन वो खुशी बनाएं, उनके यहाँ पे खुशियों की लहरें घूमें, मिठाइयाँ बांटें, पेड़े बांटें। जिस तरीके से आपने गद्दारी की, जिस तरीके से आपने बेईमानी की, आपने विश्वासघात किया, उसके बाद भी आपको अगर इस तरीके की कार्रवाई से खुशी मिल रही है, आज वो आज संजय राउत जी के काम कर रहे हैं, कल आपको खेमे में रखकर आपके पीठ में खंजर घोककर आपको ख़त्म कर देंगे, ये मैं भी दावा कर रही हूँ।